संगम की धरती पर उमड़ा है संतों का रेला। इन्हीं में कई बाबा ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप भी कह उठेंगे, बाबा रे बाबा, कैसे कैसे बाबा। कोई फोटोज का दीवाना है तो कोई रबड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस है। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही कुछ स्पेशल बाबाओं से। मेकअप तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इन नागा बाबा का मेकअप जरा अद्भुत है। अपने शिष्य के साथ चर्चा करते हुए ये अपने शरीर पर भभूत मले जा रहे थे और जब तैयार हुए तो कुछ ऐसे निकले। ये बाबा पिछले कई साल से एक पैर पर ही खड़े हैं। मेरा नाम नागा बाबा अरुण सिंह। कब से बाबा इस तरह से खड़े हैं? 2010 से हूँ, 9 साल हो रहे हैं। क्या तपस्या है बाबा ये? हठयोग में आता जी, जगत कल्याण के लिए आता। मूल स्थान बाबा कहाँ से? राजस्थान। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये करने की? भगवान से मिली है। अभी मतलब कितने सालों तक आप सिद्धि हासिल कर? 2022 तक। मेले में इस विचित्र वाहन को देखकर हम हैरान हुए तो पहुंच गए बाबा के पास जानने क्या है आखिर ये माया। बाबा को देख हमारी हैरानी और बढ़ गई। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। मैं श्री श्री 1100 श्री सालाग्राम नंद महाराज बरमान घाट जिला नरसिंहपुर तहसील काठवाड़ा मध्य प्रदेश। मैं पंचदश नाम कुंदा खाड़े से रक्त चंदन है, ये तो अनुष्ठान के चलते हुए प्राप्त हुआ है। माता महाकाली की पूजन करते हैं, ये माता महाकाली की पूजन ही बचपन में माता ने बताई है मेरे को और वो आज भी हम कर रहे हैं और इसके ही अनुष्ठान के चलते ये सब हो रहा है। अपने इस खास वाहन के बारे में बाबा के दावे कुछ इस तरह से थे। रथ सिर्फ कुंभ में निकलता है और कुंभ के लिए ही ये बना हुआ है और कुंभ में इसलिए बना है कि ये जो सात करोड़ों दीप की पूजन माता की सिद्ध हुई है, जिसको सत्य सनातन धर्म बोला जाता है, मातेश्वरी इसमें स्वयं सवारी है। यहीं पर मिले ये बाबा जो भविष्यवाणी करने का दावा कर रहे थे। जो भी विजयनगरी महाराज है उज्जैन 2002 से मैं बाबा जी बना था और रात्रि में सपने में मेरे भोलेनाथ स्वयं आए और वो मोदी जी का राज तिलक कर रहे थे, तो मैं आस्था उस भजन के साथ में अपने विश्वास के साथ में भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि 2019 में मोदी जी का राज तिलक होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। तमाम त्याग और तपस्या के साथ साथ ही अपने अनूठेपन के लिए भी ये बाबा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज से INXLIVE.COM के लिए दीपक मिश्र की रिपोर्ट।